तो मैं जो है आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, देसी नुस्खा है, इंग्लिश मेडिसिन में कोई नहीं बताता हूँ। महंगे आपके मुर्गा जो चेहरे से थोड़ा सुर्खी आ जाएगी, लाल पड़ जाएंगे, अंदर से मजबूत हो जाएंगे और जो है वो गर्म हो जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएंगे जैसे ऐसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा। दोस्तों एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक मैसेज करा था मुझे, उन्होंने कहा कि कोई भाई ऐसी खुराक बताओ जिससे मुर्गा लाल हो जाए और गर्म हो जाए, इस तरह की खुराक बताओ। तो मैं जो है आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, देसी नुस्खा है, इंग्लिश मेडिसिन में कोई नहीं बताता हूँ। मैंने आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं कोई भी इंग्लिश मेडिसिन जो का उसका प्रयोग नहीं बताता, उपयोग नहीं बताता, मैं सिर्फ जो करता हूँ देसी करता हूँ और ऐसा ही जो है मैं अपने प्रयोग में लेता हूँ, ऐसे मैं अपने शौक में प्रयोग इस्तेमाल करता हूँ। तो आप जो है ऐसी एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ आपको मैं, जिसमें आप जो है उसे अपने मुर्गों पर अप्लाई करेंगे, आपके मुर्गा जो चेहरे से थोड़ा सुर्खी आ जाएगी, लाल पड़ जाएंगे, अंदर से मजबूत हो जाएंगे और जो है वो गर्म हो जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा हो जाएंगे, जैसा कि मेरे भाई ने मुझे कमेंट करा था, बिल्कुल उस तरीके की जो मैं आज खुराक बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है कितनी जाने अनजाने में जो है वीडियो देखी, जैसे कि इंटरनेट पर हम यूट्यूब पर जो वीडियो देखते रहते हैं, कितने जो हैं जो शौकीन आदमी हैं, जो जानकार हैं, उस्ताद हैं, जो उस्ताद आदमी हैं वो तो खैर सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो शौकीन आदमी हैं या मतलब जो जानकार आदमी हैं, खलीफा आदमी हैं, उस्ताद आदमी हैं, वो तो खैर सब जानते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है क्योंकि वो तो सब जानते हैं। लेकिन जो नए शौकीन हैं, जिसने जैसे कि किसको उत्सुकता होती है कि हमें कुछ जानना है, कुछ सीखना है, ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए है जिन जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो है नुस्खा लाया हूँ आपके लिए। तो मैं कह रहा था मैंने कुछ वीडियो देखी हैं अब से पहले, तो कितनी बार मैंने वीडियो में देखी हैं, वो मुर्गे को लाल करने का तरीका बताते हैं। उन्होंने जो तरीका बताया था, उन्होंने जो है एक स्पंज ले लिया, जो वैसी कॉटन वैसी स्पंज होता है, वो फोम वाला स्पंज हो या किसी ने नीम गर्म पानी करा और चेहरे पर उस पर रगड़ा, चेहरा ढंग से धोया और उस पर जो कहा कि कोई नीम गर्म पानी ले ले, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल घेर लें और उसे चेहरे को धोएं, ये लाल उस मुर्गा जो है चेहरा लाल हो जाएगा। भाई ये लाल होने का नहीं है, जब हम कोई भी इंसान के चेहरे पर या किसी जानवर के चेहरे पर, जानवर छोड़ो छोड़ो, हम अगर स्वयं अपने चेहरे पर या इंसान के चेहरे पर किसी चीज़ को हम रगड़ेंगे 50-60 बार या 10-20 बार तो लाल तो खुद ही हो जाएगा, वो लाल नहीं है। लाल वो है जो अंदर से ताकत हो, अंदर से खून हो, उसमें अंदर से मजबूत हो। जब आदमी अंदर से मजबूत होएगा, ताकत होएगी उसमें, तो चेहरे पर लाली तो अपना दिख जाएगी, उसमें जांच पड़ जाएगी आदमी अंदर से कमज़ोर है या ठीक ठाक है या कमज़ोर है या स्वस्थ है कि ताकतवर है। तो आपको जो हमें ऐसी एक तरीका बता रहा हूँ, जो मैं वो नहीं कह रहा कि वो गलत है, गलत नहीं बता रहा मैं, लेकिन जो मैंने अब से पहले जाने अनजाने में जो वीडियो पे देखा, वीडियो में लोग बाग उसमें नीम गर्म पानी में तेल गिर रहे हैं और उस पर चेहरे पर रगड़ रहे हैं, इधर से रगड़ रहे हैं, वो लाल तो खैर हो ही जाएगा। लेकिन मैं वही फिर बताना चाह रहा हूँ, मैं चीज़ वो दिखाओ जो है, जब आदमी मुर्गे में जब खुद जान होएगी, ताकतवर होएगा, वो खुद दिख जाएगा हाँ भाई मुर्गे में जान है, ताकतवर है वो। तो दोस्तों ये चीज़ है ना, आप अपने मुर्गे को खिला सकते हैं, मुर्गे को तक खिलानी है। अब ये वीडियो मुझे इस वजह से बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे एक किसी मेरे भाई ने जो कमेंट करा था तो मुझे उसका जवाब देना था, तो इस वजह से जो है मैं इस नुस्खे को जो है बता रहा हूँ। आप भी जो है अपने मुर्गों पे प्रयोग करें, बहुत ही कमाल की चीज़ है, देसी चीज़ है, नुकसान तो कर होना ही नहीं है, कमाल की चीज़ है, बल्कि बहुत जानदार चीज़ है, आप भी इस्तेमाल करें। मैं कह रहा हूँ आप खुद इस्तेमाल करोगे तो आप में जो है ताकत अलग से जो ताकत का असर दिखने को मिलेगा आपके। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप ले लें देसी घी, बाजारों देसी घी, बाजार का देसी घी आपको नहीं लेना है, देसी घी हो सिर्फ अपने घर का, बता रहा हूँ मैं आपको पहले ही देसी घी, वरना अगर बाजार से घी लाओगे वो पता नहीं क्या है, रिफाइंड है क्या है पता है कुछ नहीं, वो बाजारों तो बाजार ही होता है। तो देसी घी लाना है आपको सबसे पहले, देसी घी मैं छोटी खुराक बता रहा हूँ आपको, आपके अनुसार आप जो है अपने अनुसार उसे बड़ी भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जो उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो छोटी खुराक बता रहा हूँ फिलहाल आपको, तो आपको लेना है 200 ग्राम देसी घी ले लें, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, देसी घी लेना है, देसी घी 200 ग्राम। और चने का आटा बेसन, चने का आटा लेना है बेसन,
बाजार से वो भी नहीं लाना है बेसन। अगर आप दुकान से बेसन लाओगे, बाजार से लाओगे, मार्केट से लाओगे, वो आपको जो है मक्का का आटा पकड़ा सकता है, मिला हुआ मक्का का आटा दे सकता है, या मटला का चून दे सकता है, मटला का आटा, वो आपको नहीं लाना है। आप जो है बाजार से 200 ग्राम चने ले आएँ, ये आप अपने जो है मिक्सिंग ग्राइंडर में जो है पीस लें और अपने छान के जो है अपने अपने अनुसार जो रख लेने हैं। चने लाने हैं 200 ग्राम, वो मिक्सिंग ग्राइंडर में जो है पीस लेने हैं, ठीक है। वो अपने घर के हो गए, अपने देसी चने चने का आटा हो गया, बेसन हो गया। और आपको ले लेने हैं 250 ग्राम या 200 ग्राम ले लेने हैं आपको बादाम की गिरी, बादाम की गिरी, वो भी आपको जो है मिक्सिंग ग्राइंडर में जो है पीस लेने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बटन दबा दिया वो चल रही है मशीन, इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको सिर्फ एक बार बटन दबाना है, रोक देना है, फिर थोड़ी देर चलानी है मशीन, फिर रोक देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप लगातार एक एक ही फेस में एक ही लगातार कंटिन्यू चलाएंगे ना उस बादाम की गिरोह को पीसेंगे, तो उसमें से जो है ना वो बादाम का तेल जो निकलने लगेगा, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है बादाम की, जो पोषक तत्व होते हैं, वो तेल जो है वो निकल जाएगा, पोषक तत्व जो उसके निकल जाएंगे, ताकत, यानी कहने का मतलब ताकत जो होती है वो निकल जाएगी, ऐसा तेल छोड़ जाएगी मतलब बादाम। इस तरीके से आप जो है नहीं करना है, वो झटका दे देगा, झटका दे देगा जो है आपको वो बादाम जो है वो पीस लेने हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, 200 ग्राम घी, 200 ग्राम चने का आटा बेसन और 200 ग्राम जो है आपके बादाम। सबसे पहले जो है आपको बादाम, सबसे पहले जो आपको घी बर्तन में गर्म कर लेना है, किसी कढ़ाई वढ़ाई में गर्म करने के बाद में, थोड़ा सा मतलब गर्म होने के बाद में उसमें गिरना है बेसन, बेसन चने का आटा, चने का आटा आपको जो मंदी मंदी आग पे जो है धीरे 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 जो है चलाना है। चलाने के बाद में जब उसका आपको खुशबू आने लगे कि हाँ भैया भुन गया, तो उस तरीके जो है आपको फिर गिरना है वो चने उसका बादाम का, जो हमने पाउडर बनाया था पीस के, बादाम जो पीस के बनाए थे हमने, पाउडर बनाया था, फिर गिरना है पाउडर, पाउडर भी जो आपको इस तरीके से जो भूनने हैं बादाम के, तो ये जो है आपका कुछ हलवे टाइप का बन जाएगा। उसे आप उतार लें, उतार के एक शीशी में या डिब्बे में किसी तरीके से भी, जो भी आपके सुविधा लगे आपके अनुसार, आपको रख लेना है फ्रिज में, फ्रीजर उसमें आपको नहीं रखना है, उसे जो नीचे वाला रैक होता है उसमें रखना है आपको, मतलब फ्रिज में रखना है, कुल मिला के फ्रिज में रखना है। और जब भी आपको वो खुराक देनी हो शाम के समय, ये खुराक देनी है शाम के समय, उसमें से दो चमची जो हम चावल हलवा खीर खाते हैं, दो चमची जो उसमें से निकाल लेनी है, वो हलवा जो है दो चमची निकाल लेना। दोस्तों यदि समय है सर्दी का, तो आप इसमें अंडा ऐड कर सकते हैं, देसी अंडा, देसी मुर्गी का एक अंडा ऐड कर सकते हैं दो चमची हलवे के साथ। और यदि गर्मी है तो आप जो है अंडे के जो कैंसिल भी कर सकते हैं, अंडा फिर कैंसिल कर दें, ठीक है दोस्तों। अंडा जो है देना किस तरीके से है, दो चमची वो हलवा निकाल लिया और उसमें जो है एक अंडे की जो जर्दी पीली वाली जो है वो जर्दी गिर लेनी है और उसे जो है उसे जो चमची से घोट देना है, चमची से जो उसे घोट देना है और आग पर जो धर देना है, बिल्कुल जब मिल जाए थोड़ी देर में जो है आप वो बर्तन से जो लगना बंद कर देगा, बर्तन से कटोरी में या अपने जो भी बर्तन अपने आग पर धर रखा है गर्म करने के लिए, हलवा गर्म करने के लिए, बर्तन से चिपकेगा नहीं और घी जो छोड़ने लगेगा, तो उस टाइम जो आप उसे गैस बंद कर लें, थोड़ा ठंडा कर लें और उसमें दो गिरनी है काली मिर्च पीस के टुकड़े टुकड़े, दो काली मिर्च गिरनी और अपने मुर्गे को जो है जिसको आप तैयारी पे लगा रहे हो या आपका शौक जो भी है आपका, आप जो उसे दो चमची जो है शाम के समय वो हलवा दे देना है, बस बाढ़ बंद कर दो, ये तरीका देखो और आप जो आप मुर्गे का तैयारी देखो, एक महीने खुला कर देखो अब, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में अलग जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।